कहते हैं आप सभी लोग सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। करते हैं व्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर दी है हमारी अमा ने। तो अभी हम अपने छाने में हैं और यहाँ पे पीछे देख रहे हो आप ये ड्रम्स हैं, इनमें लगा है तरु जो कि अभी बहुत अभी इसकी कोंपले आ रही हैं ऊपर। आजकल स्प्रिंग सीजन है तो आजकल इनकी कोंपले आती हैं। और ये तरुण है, इसको कुमाऊनी में क्या कहते हैं पापा? तो तैड़ा बोलते हैं कुमाऊनी में इसको कहते हैं तैड़ा, जो कि महाशिवरात्रि के दिन खाया जाता है, ऐसा फलाहार व्रतों में खाया जाता है। और आज का व्लॉग होने वाला है हमारे बगीचे में जितने भी पेड़ हैं, फ्रूट्स के पेड़, घास के पेड़ जो भी होंगे आज आपको वो हम अपने व्लॉग के थ्रू दिखाएंगे। हमारा अनार का पेड़, हाँ सामने है एक संतरे का पेड़, हाँ और ये पीछे है आम। इसको क्या बोलते हैं? दुदली है? इसको क्या बोलते हैं? गाय के घास के लिए ये घास का पेड़ है, घास का पेड़ है ये। इसको क्या कहते हैं कुमाऊँ में? हमारे यहाँ दुदली, हाँ गढ़वाली में इसको बोलते हैं दुदली। मैं गढ़वाली हूँ तो मैंने इसका नाम दुदली सुना है। कुमाऊँ में इसको बोलते हैं दुदली नहीं बोलते हैं, दुदला बोलते हैं। हाँ, कुमाऊनी में इसको बोलते हैं दुदला और गढ़वाली में इसको बोलते हैं दुदली। है आड़ू का पेड़, इसमें छोटे छोटे आड़ू लगे हैं, लगे हैं जो कि अब जुलाई अगस्त तक पक जाएंगे, अभी बहुत छोटे हैं। ये है अखरोट का पेड़। किसने लगाया हमें अखरोट का पेड़? ये तेरे बुबू ने। अच्छा, इसमें दांती अखरोट होता है? कांठी? ये कांठी है। कांठी है ये वाला? दांती वाला भी है ना आगे? दांती वाला आगे हम दो हमारे है, ये तो पति के बुबू के हैं। अच्छा, उन्होंने लगा रखा वहाँ के हैं हमारे दो पेड़। अच्छा, ये हमारा थोलगड़ा है का मतलब है यहाँ पे बड़ा और गड़ा मतलब है खेत। खेत तो ये बहुत बड़ा खेत है तो इसका नाम पड़ गया ठुलगड़ा। ठुलगड़ा इसमें हमारे दो अखरोट के पेड़ हैं और संतरे और मालटा के पेड़ हैं। ये लगाए किसने? बुबू ने लगाए? बुबू ने। अच्छा, पूरा गार्डन बुबू ने बना रखा? हाँ, ये बुबू ने लगाया। ठुलगड़ा काफी बड़ा खेत है, बहुत दूर से लेकर आगे तक बहुत बड़ा खेत है। हाँ। इसमें अगर हेलीपैड बन जाएगा तो हेलीपैड भी बन सकता है, इतना बड़ा खेत है ये। एक आगे को भी है ना आमा? एक आगे भी है ना? हाँ। वो भी इतना ही बड़ा है जितना ये है? हाँ, सेम इतना ही है ना? हाँ। वो जहाँ घास हो रखा आगे साइड पे। अच्छा, हाँ, आपने इस खेत में मतलब अनाज भी बोते थे इसमें? हाँ। क्या क्या होता था इसमें? गेहूँ, मंडुआ होता था? हाँ, बहुत होता था। तब तो पेड़ कितने फिर जानवर आने लगे। हाँ, जानवर नुकसान कर जाते हैं। तो अभी इसमें फ्रूट्स के पेड़ लगा दिए। ये वाला खेत कहाँ तक है? नीचे वाला हमारा? नीचे वाला वो जहाँ तक वो लुट्टा डाल रखा है। हाँ। लूंगा। अच्छा, वो पेड़ हमारा ही है, शिमी लगाते थे ना ये खेत में। हाँ। मतलब राजमा। राजमा, इसमें एक बोरी शिमी हो जाती, इतने छोटे खेत में। बहुत बड़ा है ये, वहाँ से जहाँ तक, जहाँ से लुट्टा शुरू हुआ है वो संतरे का पेड़ है, वहाँ से पूरा आगे तक का है। यहाँ तो कितने पास काफल के पेड़ है। यहाँ बहुत आवा, यहाँ तो मैंने भी सीमी वगैरह की, जब मैं था मैं भी था, उस समय बारिश होती, चाची और मैं बाजार से आते थे, छतार से आते थे। हाँ, ताई जी ने यहाँ लगाया था ऊपर वाले में, यहाँ ताई जी ने लगाया था और नीचे वाले मम्मी और चाची ने लगाया था, याद है मेरे को। हाँ, इस बार कब तक पकेंगे? अच्छा, काफल बहुत है मतलब इस बार? काफल काफल का फल। पहले तो नाशपाती बहुत बिक्री होती थी यार। हाँ, ठेका लेते थे वो, आते थे ठेकेदार, ठेकेदार आते थे, घोड़े में जाते थे, इतने नाशपाती होती थी कोई हिसाब नहीं। जब हम स्कूल जाते थे ना उसी घोड़े में बैठ के आते थे वहाँ से पैदल, और क्या बोलते हैं बाद में वो घोड़े यहाँ से नाशपाती आलू ले जाते थे। अच्छा, उस घोड़े में आप वहाँ से बैठ के आते हो गए? अच्छा, चौक पेड़ थे यहाँ से, वहाँ तक पूरा चौक पेड़ है। पूरा पेड़ में 500 पेड़ के हमारे यहाँ के वहाँ जाता पेड़ में हमारे बहुत भरी रहनी भाई, वो पेड़ सेब निकालते, सेब निकाल वो ठेका ले लेते, ठेका में जाते थे हमारे सेब।
अच्छा पूरा सेब भी अच्छी खासी बिक्री होती होगी। उस समय तो 8-10 हज़ार बहुत है ना, अभी भी अगर यहाँ सेब के पेड़ लगाएंगे तो आराम से हो जाएंगे ना हम, अगर कोई करना चाहे तो मेहनत। हाँ हम अगर हल्द्वानी में रहेंगे ना, पेंशन आ गया तो इधर ही आना। मैं तो इधर ही आऊंगा जब तक, मैं तो यही अब 2 साल के बाद आता हूँ पेंशन। हाँ। फिर यही मकान यही लगूं से। यही लगा मैं एक फर्स्ट क्लास मकान बनाऊँ, एक नंदन गोर पाल लूँ और दूध खुद लगूँ फर्स्ट क्लास दूध खून मैं गोर पाल उसको पालने में पड़ो मकान भरे सही उसको गाँव में। टेक्नोलॉजी आने से बहुत फायदा हो गया है गाँव में भी, अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब घास काटने के लिए सोच के मैंने जो घास काटते हैं उसको काटने के लिए पहले इसको काटने के लिए 1-1.5 महीना लग जाता था, आमा हमको बता रही थी अभी, अब मिनी ग्रास कटर आ गया है तो उसी से काटते हैं इसको और 1 हफ्ते में आराम से कट जाता है, मेहनत की बचत हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है। आमा आप जब इस घास को काटते थे ना जब आप अकेले थे तो आपको कितना टाइम लगता था? जब हाथों से काटते थे आंसी से, आंसी से आंसी से आदमी लगाते थे 2-3 दिन में काटते थे। नहीं नहीं ये पूरा एरिया, पूरा एरिया तो 1 महीना से ज्यादा लगता, 1 महीना से थोड़ा थोड़ा कर काटते ऐसा लगता था। आप कितना टाइम लग रहा अब मशीन से? मशीन से क्या होता है वो 1 दिन में दो लूंगे बनाए बना दिए। हाँ एक दिन में ही कट जा रहा पूरा, एक दिन में उतना कट गया, वो पूरी धार हमारी है वो सब उसने काट दिया। फिर इनसे तो मैं फिर नहीं काटा, बहुत फ़ायदा हुआ है टेक्नोलॉजी का गाँव में भी, यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी का, अच्छी बात है गाँव के लिए, टाइम की भी बचत होती है, मेहनत कम लगती है और काम भी हो जाता है। देर बैठने के बाद अब हम चले अपने घर की ओर को। हाँ चले ना आप घर को। ये हम धनिया मड़ाई कर रहे हैं, ये हमारे पहाड़ घर की धनिया है, ये पहाड़ी धनिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, इसकी मड़ाई कर रहे हैं हम। हम धनिया बाजार से नहीं खरीदते हैं, साल भर के लिए खाने के लिए धनिया हमारे घर ही में हो जाता है। वो आप कहाँ से आ रहे हैं उनको लेके? मैं ये फुटू लेके हैंडल बनाए। हाँ, कल तो ये अलग थे, आज घुगने अलग बना दिए, ढीले पड़ गए थे इसलिए नया बनाया है। अब मेरे पास पूरा टूल नहीं है, नहीं तो मैं कारपेंटर का पूरा काम कर लेता हूँ। अब इससे निकलेगा प्याज ना, प्याज सब कुछ इसी से। आर्मी से रिटायर्ड हैं बुबू और घर आके बुबू अभी खेतों का सारा काम करते हैं। बुबू को हर काम करवा लो, गाड़ी से लेकर खेत से लेकर सब काम करते हैं बुबू अभी भी इस उम्र में। मेरी अब 82 ईयर्स एज जा रही है, मैं अभी भी हर गाड़ी को जो है जीप चलवा लो, ट्रक चलवा लो, मुझसे ये डोजर चलवा दो, ये सब काम मैं जानता हूँ क्यों फौज में हमें पूरी ट्रेनिंग मिली हुई है। और कारपेंटर का भी थोड़ा बहुत, कारपेंटर का भी मैं काम कर लेता हूँ। अभी टूल अभी ये ज़्यादा होगी इसलिए टूल नहीं खरीदना, टूल खरीदने से मैं दरवाजे खिड़कियों का काम भी सब अपने हाथ से कर लेता। अभी मेरे को भारत सरकार की, मैंने मेहनत की तो मुझे भारत सरकार इस समय जो है 64,000 पर मंथ दे रही है घर बैठे बैठे पेंशन मिलती है बुबू को। बुबू ने 2 जॉब करी हैं अपने और एक आर्मी से रिटायर है बुबू और एक BRO से रिटायर्ड है, अभी घर पे सारा काम करते हैं। ये खेत जो दिख रहे हैं आपको आबाद, ये सारे चाची की मेहनत है, बुबू की मेहनत है, आमा की मेहनत है हमारी, उन्हीं की बदौलत है खेत अभी आबाद है। दोस्तों हम जा रहे हैं आज चंपावत की मार्केट, मैं जा रही हूँ चाची के साथ स्कूटी में और ये पापा और ये जा रहे हैं बाइक में। आज हम जा रहे हैं ताई जी के घर, ये है पापा चाची की स्कूटी, ये है, हम दोनों जाएंगे अब स्कूटी में आज चंपावत की सैर करके आते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं मानेसर, यहाँ सामने है मानेसर की मार्केट, छोटी सी मार्केट है और हम लोग तो मेन रोड से जा रहे हैं, पापा लोग जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ता है वहीं से। दिया था ले
जा रहे हो? नहीं मैंने प्रणाम किया नहीं, क्या पूछ रहा था। बधाई जी, ठीक हो? बाबे इतना प्यार पतली हो गई मिल में। थोड़ी प्रिया भी आज मिसिंग यू अ लॉट। प्रिया और पूजा को बहुत मिस कर रहे हैं। कमल को नहीं करेगी? वो लोग तो यहीं थे ना पिछली बार। अच्छा, दिन पर दिन छोटी हो रही है। अरे आमा कह रही है ना दिन पर दिन छोटी होते जा रही है। बस आमा आपको अपने हिसाब से लग रहा हम छोटे हैं। आमा की हाइट बहुत ज्यादा है। हम जो बराबर तो है ना। सैंडल पहनी है? हाँ बराबर है, थोड़ा चाची के कंधे बड़े हैं। हाँ एक ही हाइट के हैं। सेम यो सेम। चाची की बिल्ली सोई है मजे से यहाँ। प्रिया दी है। तो हम आए हैं चाची के यहाँ भी। यहाँ पे इनका डाइनिंग एरिया है। चाची बना रही है अंदर चाय और यहाँ से दिखते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारे। ऐसा डाइनिंग एरिया मिल जाए तो बात बन जाए। और ये स्कूल है आपका? पहले पढ़ते थे इसमें। और मल्लिकार्जुन? मल्लिकार्जुन स्कूल था पहले, वो चले गया अभी। अच्छा, अब यहाँ दूसरा स्कूल खुल गया। पहले इनकी स्कूलिंग यहीं पर हुई है। कितना सही है घर के पास में स्कूल। तो अभी हम आए हैं अपने चंपावत वाले घर में। यहाँ मेन रीज़न हमारा चंपावत आने का भी ये था कि हमको करानी थी ये वाले घर में करानी थी हमको रेनोवेशन। यहाँ पे रेनोवेशन का काम अभी चल रहा है। अभी हम यहाँ रहते तो नहीं हैं पर यहाँ हमारे रूम्स हैं, वो अभी रेंट के लिए हैं रूम। तो ये है वो घर जिस घर में होना है रेनोवेशन। कुछ काम तो अभी चल रहा है अंदर। इस घर में भी पापा लोगों के तीन भाई हैं तो तीनों के अलग अलग हिस्से हैं। ये ताई जी लोगों का है, ये बीच में हमारा है और इधर चाची लोगों का है। ऊपर भी तीन कमरे नीचे हैं सबके और तीन तीन कमरे ऊपर हैं। और ये कुछ नज़ारे हैं हमारे घर से। सामने मल्लिकार्जुन स्कूल है ये और सामने हैं इतने प्यारे प्यारे देवदार के पेड़। ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। और सामने रहते हैं हमारे सबसे बड़े बूबू रहते हैं, उनका घर है यहाँ। अरे ताई जी चाची जिन्होंने आज भट्टे की चौड़कानी बना रखी है। और ठीक ठीक ठाक सर। नमस्कार। नमस्कार, ठीक हो? यहाँ पे ताई जी ने उगा रखी है कीवी। छोटी छोटी कीवी हो रही है, ये बेल जाएगी ऊपर तक नीचे भी बहुत। हम पहुंच गए घर पे और चिंटू आ गया हमको लेने। बाइक को लगाएंगे हम आंगन में तो यहाँ से जाएंगे हम घर तक। आपने कब एक्सप्लोर करा ये रास्ता? ये रास्ता सन 1965 में जब मैं पैदा हुआ था हड़प्पा की खुदाई हुई। हड़प्पा की खुदाई के दौरान ही रास्ता याद हुआ। तो यहाँ पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो सिंधु घाटी की सभ्यता, वो सभ्यता यहीं से शुरू हुई थी। वो सभ्यता में क्या था, यहाँ से मुड़ना था हमने। तो जब ही सभ्यता का इजाद हुआ मैं यहाँ से मुड़ गया ऐसे करके। तो रास्ता यहाँ से बन गया है। फिर मैंने यहाँ गाड़ी का सेल्फ मारा, गाड़ी को उससे आगे बढ़ाया। यहाँ मैं अपने गांव का पहला आदमी हूँ जो घर तक ऐसी गाड़ी ले गया अंदर तक। वरना यहाँ अंदर तक कोई बाइक नहीं ले गया अभी तक। घर पे आंगन में? आंगन में हाँ। तो रास्ता बहुत रफ एंड टफ है। क्या चाहिए टिंकू? देखो ये ठीक है ये। अब देख मैंने इसको इसमें रखा। रुक रुक पीछे छुपाओ। ले ये देख इसमें हाथ लगा इसने। एक टुकड़ा और है चिंटू।
दे। वो वाला खोलना। ये सब कुछ नहीं है। अब जो है आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए, मतलब किस हिसाब से थोड़ा बहुत क्या हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं कि मतलब बड़े बुजुर्ग जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा पे हमको चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए करके? बड़े बुजुर्गों की शिक्षा माननी चाहिए। माननी चाहिए ना? हाँ जी। हाँ नहीं मानोगे तो आगे को ऊपर को बढ़ोगे, इतना बड़ा अफसर बनोगे। हाँ हाँ ना, ऐसा होता है। बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही ठहरे। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 6:30। कुछ पेड़ हमारे बच गए थे सुबह दिखाने आपको, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी और पेड़ जो बच गए हैं हमारे बगीचे के। और भी काफ़ी पेड़ हैं अभी। तो ये है सामने दालचीनी का पेड़ है, इसकी पत्तियों का यूज़ होता है एज अ स्पाइस, इसका यूज़ करते हैं हम बिरयानी में, पुलाव में, बहुत बार देखा होगा आपने। और इसका इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है आयुर्वेद में, इसको औषधि के रूप में बताया गया है। और दालचीनी जो है वो मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करती है, जो कि वजन घटाने के लिए बहुत सहायक होती है। आजकल बसंत सीजन है तो आजकल सभी पेड़ों में बौर आ रही है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी आजकल बौर लगी हुई है। आगे चल के आपको दिखाते हैं और भी पेड़ हमारे बगीचे के। कुछ पेड़ अभी हमारे बहुत पुराने हो चुके हैं, जो कि अब पूरी तरीके से सूख गए हैं। अब इन पेड़ों को काट के हम इनकी जड़ों में अब दूसरा पेड़ लगाएंगे। लगे हैं अभी कुछ फ्रूट लगे हैं पेड़ों में, इसको कहते हैं कुमाऊनी में जारिम, और हमारे यहाँ गढ़वाली में कहते हैं इसको जामिर। 2-3 बचे हैं अभी, अभी अप्रैल का मौसम है पर अभी भी पेड़ों में सर्दियों वाले सीजन के फ्रूट्स अभी भी बाकी हैं। ये है नारंगी का पेड़। वैसे जनवरी और दिसंबर में इस फ्रूट का सीजन होता है, पर अभी भी इसमें नारंगी बाकी है, जो कि ढक के रखी है क्योंकि यहाँ बंदर आ जाते हैं कभी कभी, तो उनके उनसे बचाने के लिए इसको ढक के रखा है अभी। तो यहाँ पे है सामने ऊपर पे एक अनार का पेड़ है और साथ ही साथ एक अमरूद का पेड़ है। इनमें भी फ्रूट्स लगते रहते हैं सीजन के टाइम पे खूब। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे नीचे है ये जो हरा भरा हो रखा है, ये पेड़ है दाड़िम का। वैसे इसको ऐसे ऐसे ही फल नहीं खा सकते हैं, इसका यूज़ करते हैं चटनी में, खट्टापन लाने के लिए पहाड़ों में इसका यूज़ होता है। तो ये है लुकाट का पेड़, इंडिया में बहुत कम होता है, इसका ओरिजिन चाइना और नॉर्थ कोरिया है। इस फल पील कलर का फल होता है और पेड़ की तरह ये दिखता है, खट्टा और थोड़ी मीठा होता है। यह है पोलम का पेड़। मार्च अप्रैल के टाइम पर इसमें हल्के फल आते हैं, फूल आते हैं, और जून जुलाई जब काफल का टाइम होता है उसके जस्ट बाद ये पक जाता है। काफ़ी अच्छा होता है, रेड कलर का होता है, जैसे आपने चेरी देखा होगा, चेरी के जैसा होता है। टेस्ट में थोड़ा खट्टा होता है, हल्का का मीठा होता है, बहुत अच्छा फल होता है। और बेसिकली ये पहाड़ों में ही दिखेगा आपको, ये हिमाचल साइड्स में या कश्मीर साइड में या फिर उत्तराखंड के कुछ हिलीज एरिया है जहाँ थोड़ा बहुत ठंडा होता है, उधर ही पर ये पाया जाता है, लेकिन बहुत अच्छा है।